गाइस, अगर आप अपना ग्रो ऐप का फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कराने के लिए कई बार इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हो, फिर भी ग्रो ऐप के कस्टमर केयर के द्वारा आपका इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं किया गया है और आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो इस वीडियो में दूसरा एक प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आसानी से अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करा सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो अपना ग्रो ऐप का फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लिया हूँ और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ जिससे आसानी से आप इस प्रोसेस अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करा पाओगे। तो जैसे अपना ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ तो सबसे ऊपर में ईमेल आईडी के लोगों पर क्लिक करनी है और उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट वाला उसमें क्लिक करनी है और इसके बाद सबसे ऊपर में आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको सर्च बॉक्स में सर्च करनी है हाउ टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे आप सर्च करोगे हाउ टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन तो सबसे ऊपर में ही सोने लगेंगे हाउ टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन ग्रो, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है कि अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कराने के लिए नीचे में बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का बटन काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करके प्रोसेस करने से जल्दी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है। लिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर बता दिया गया है वांट अर्ली एक्सेस टू फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आपको नीचे में स्टार्ट वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। तो यहाँ पर नीचे मैं स्टार्ट वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ बता दिया गया है कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को देनी है, तो जो आपका ग्रो एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी को यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक कर देनी है और सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर थैंक्स शो करने लगेगा, यानी कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ग्रो ऐप के कस्टमर केयर के पास सेंड कर दिया गया है और जैसे ही ग्रो ऐप के कस्टमर केयर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो गाइस, इस प्रकार से आसानी से अपना दूसरे तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करा सकते हो। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है किस प्रकार से अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कराए तो कमेंट से कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल में मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।